Hello students, good morning to all of you. Today I am going to teach you English grammar standard 5, chapter 3, kind of sentences, kinds of sentences. सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे. देर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस के फोर काइंड्स होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस. असर्टिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. An assertive or declarative sentence makes a statement or declares something. Assertive sentence, simple sentence होते हैं. The sun rises by 7 in summer. I woke up by 8 every day. Today all of us will be off for a picnic. An assertive sentence always ends with a full stop. एसर्टिव सेंटेंस के एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगता है. अन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड और रिक्वेस्ट. इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट एक्सप्रेस होता है. इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा ऑर्डर और रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करता है. क्लोज द डोर एट वंस, दिलांस. लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन. अन इम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. इम्परेटिव सेंटेंस के एंड में भी हमेशा फुल स्टॉप लगता है. अन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. इंटरोगेटिव सेंटेंस हम जैसे कि कोई क्वेश्चन करते हैं ना किसी से कोई क्वेश्चन करना, इंटरोगेटिव सेंटेंस. वुड यू लाइक सम मोर टी, ये क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. विच सैंडविचेस वुड यू लाइक टू हैव, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा क्या एक्सप्रेस करते हैं, अचानक से कुछ होता है, जैसे कि कोई चीज हमें बहुत अच्छी दिखाई देती है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है जिसके लिए हमें वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. व्हाट ए ब्यूटीफुल प्ले, हाउ वेल शी डांसेस, वह कितना अच्छा डांस कर रही है. ये हमें हमारे लिए एक आश्चर्य हुआ, ठीक है. हम कहते हैं ना वाओ कितना अच्छा डांस कर रही है, हाउ वेल शी डांसेस, तो ये एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेस करता है. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी गई है उन्हें हमें फिल करना है. गिवन बिलो आर सम सेंटेंसेस, राइट वेदर द गिवन सेंटेंसेस आर एसर्टिव, इम्परेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी. पॉल्स फादर इज अ डॉक्टर, यह एक सिंपल सेंटेंस है और इसके एंड में फुल स्टॉप लगा हुआ है. ये कौन सा सेंटेंस हुआ, एसर्टिव सेंटेंस. हु वॉज द विनर, विनर कौन था. यहाँ पे सेंटेंस के एंड में कौन सा मार्क है, क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ ये. स्टॉप मेकिंग अ नॉइस, आवाज बंद करो, ये क्या है, कमांड. इंपरेटिव सेंटेंस. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, नीता एंड सेरा वेंट टू द पार्क, यह एक सिंपल सेंटेंस है. नीता और सेरा पार्क में गए, एसर्टिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज, ये सेंटेंसेस जो दिए गए हैं इन्हें रीड करना है और कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है. एक बार इसको रीड करके फिर आप इन सेंटेंस के टाइप को यहाँ पर लिखोगे. एक्सरसाइज 2,
in the lines given below write two sentences each of the kind mentioned. Assertive, imperative, interrogative, exclamatory. Four types of sentence हैं, इनके two two sentences सभी के यहाँ पे लिखे हुए हैं. ये आपको आपकी बुक में लिखने हैं. रिमेम्बर ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं. कोई भी सेंटेंस हम लिखेंगे वो उसका फर्स्ट वर्ड होगा कैपिटल. क्या वर्ड होगा स्टूडेंट्स? कैपिटल वर्ड. एसर्टिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस एंड विद फुल स्टॉप. रिमेम्बर एसर्टिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा फुल स्टॉप लगता है. अन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है. अन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा. ओके स्टूडेंट्स, टुडेज योर होमवर्क. कंप्लीट द एक्सरसाइज 1 एंड 2 इन योर ग्रामर बुक. थैंक यू.